तो जैसे जैसे फ्यूल्स के दाम अप होते जा रहे हैं, कंपनियां उनके ऑप्शंस में काफ़ी विकल्प तलाश कर रही हैं, जिनमें आपके इलेक्ट्रिक है या इसके अलावा सीएनजी तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसके अलावा और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आ रही हैं। और टोयोटा मोटर्स की तरफ से अपडेट है उसकी ऑल न्यू गाड़ी के बारे में, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काम करती है, यानी केवल कोई ऑल न्यू गाड़ी की बात नहीं है, न्यू लॉन्चिंग की बात नहीं है, लेकिन जिस फ्यूल पर ये काम कर रही है वो वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़बरदस्त विकल्प होने वाला है करंट सिचुएशन को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इस फ्यूल की कैपेसिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार फिल करने के बाद गाड़ी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती है, जो करंटली किसी भी सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। चाहे आप पेट्रोल डीजल पर जाएं या फिर आप जाएं सीएनजी, तो कोई बात नहीं, इसके अलावा अन्य किसी भी विकल्प पर तो पॉसिबल नहीं है कि सिंगल फ्यूलिंग में आप 1000 किलोमीटर का सफ़र कर पाएं। लेकिन टोयोटा ने जो अपनी ऑल न्यू गाड़ी रिवील की है वो है टोयोटा मिराई, जो कि सिंगल फिल में 1003 किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट की गई है। और कंपनी ने इसमें जो अल्टरनेटिव फ्यूल दिया है बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी जिसका प्राइस भी कम होगा। फीचर्स तो गाड़ी में हैं ही शानदार, जो आप देख रहे हैं सामने डिस्प्ले किए जा रहे हैं। कंपनी ने इस फ्यूल के लिए इस गाड़ी में 3 टैंक दिए हैं, क्योंकि ये एक अलग टाइप का फ्यूल है जिसकी कैपेसिटी 5.6 किलोग्राम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान कार से वातावरण में CO2 का 0% उत्सर्जन हुआ, यानी किसी भी तरह का प्रदूषण होता ही नहीं है। और आने वाले दिनों में इन फ्यूल्स का यानी ऑप्शंस फ्यूल्स का तेज़ी से इस्तेमाल बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, जापानी ऑटोमेकर टोयोटा ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कंपनी की नई हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली सेडान टोयोटा मिराई ने सिंगल फिल में 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान इस कार को फ्रांस की सड़कों पर चलाया गया और 1000 किलोमीटर की दूरी के दौरान 4 ड्राइवरों ने कार की स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ आजमाया। वहीं मिराई के सफल टेस्ट के बाद उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टोयोटा और भी ज़्यादा पावरफुल और हाई माइलेज वाली गाड़ियों की टेस्टिंग करने वाली है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में शेयर कर देते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, बाद में आपको बताएंगे इस गाड़ी में क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और एप्रोक्स इसकी एशियन मुल्कों के अंदर कब लॉन्चिंग होने वाली है। तो टोयोटा मिराई में यूज़ होता है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल फ्यूल के जरिए इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलती है और गाड़ी चलती है। वहीं अपने शुरुआती टेस्ट में टोयोटा मिराई सिंगल फिल में 1003 किलोमीटर चली और जिनकी कैपेसिटी जो टैंक इसमें 5.6 किलोग्राम है, और जैसा आपको बताया वातावरण में किसी भी तरह के CO2 का उत्सर्जन नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में इस फ्यूल का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि माइलेज भी अच्छा होता है तथा प्राइस भी बेटर होता है। और दोस्तों, जहां तक बात करें इस गाड़ी को, जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट किया गया था, इसकी रेंज केवल 850 थी, लेकिन अब इसे न्यू टेस्ट में इसकी रेंज और भी ज़्यादा हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी भी इस टाइप की गाड़ी लॉन्च करने वाली है। जो फ्रांस की जानी मानी ऑटोमेकर कंपनी है हॉपियम मैकाइन, वह भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली सेडान गाड़ी लॉन्च करने वाली है, तथा हुंडई की तरफ से भी कुछ ऐसा अपडेट आ रहा है जो किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि हुंडई भी एक बहुत ही शानदार गाड़ी लॉन्च कर रही है और वो गाड़ी इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। तो अगर आपकी चॉइस होगी तो हुंडई की इस ऑल न्यू गाड़ी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है जो फ्रांस की एक कंपनी है हॉपियम, जिस गाड़ी को लॉन्च कर रही है, वो 500 HP की पावर वाली मोटर यूज करेगी और ये कार 230 प्रति किलोमीटर की स्पीड से 1000 किलोमीटर तक का सिंगल फिल में चलने वाली है। यानी इन गाड़ियों का माइलेज काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस तय करा करेंगी और वातावरण के लिए बहुत ही बेटर होने वाली हैं। फीचर्स आप सामने गाड़ी का देख रहे हैं टोयोटा मिराई का, जैसे कि टोयोटा सेफ्टी सेंस 2.5 प्लस इसके अंदर मिलने वाला है, प्री कोलाइजन सिस्टम है, इसके अलावा लैंड डिपार्चर वार्निंग है, ऑटोमेटिक हाई बीम्स कंट्रोल है और साथ में है डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल जैसा एडवांस फीचर्स।
और लैंड ट्रैकिंग असिस्ट भी मिलता है आपकी सेफ्टी के लिए, यानी कि टोयोटा का जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम है सेफ्टी सेंस 2.5 वर्जन इसके अंदर मिलने वाला है। तो काफ़ी शानदार गाड़ी लुक वाइज, कंफर्ट वाइज और सेफ्टी वाइज भी ये गाड़ी होने वाली है। सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग्स यानी कि 8 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं। बात करें इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स की, और आप देख रहे हैं इसका फ्यूल का जो 3 सिलेंडर है सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर्स है और इस तरीके से सिलेंडर इसके अंदर लगाए गए हैं। और बात इसके परफॉर्मेंस के बारे में करते हैं, तो परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है गाड़ी का, पावर बहुत ही बेटर है। तो दोस्तों अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये देख रहे हैं आप इस गाड़ी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन। और केवल इतना ही नहीं, इस गाड़ी के अंदर जो वर्ल्ड क्लास फीचर्स मिलते हैं, फर्स्ट है आपका इसमें स्टीयरिंग असिस्ट सिस्टम, जो ड्राइवर के लिए बहुत ही बेटर फीचर है। इसके अलावा है न्यू रडार क्रूज कंट्रोल फंक्शंस, कर्व स्पीड रिडक्शन फंक्शन के साथ में। इसके अलावा ड्राइवर इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट, ये काम करता है लैंड ट्रेसिंग असिस्ट फंक्शन के साथ ऑपरेटिंग में। इसके अलावा टोयोटा एडवांस ड्राइविंग असिस्ट फंक्शंस भी इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं, और एडवांस ड्राइव सिस्टम्स 2021 के व्हीकल्स के अंदर अवेलेबल कराए जा रहे हैं रियल व्हील ड्राइव्स के अंदर। और टोयोटा मिराई जिस फ्यूल से चलती है यानी हाइड्रोजन से, तो ये बिल्कुल एक न्यू इनोवेशन है, इको फ्रेंडली है। और बात करें इसके बायो प्रोडक्ट की, तो केवल वाटर ही इसके अंदर से एग्जिट होता है, और इसीलिए इस टाइप की गाड़ियों को कहा जाता है पानी से चलने वाली कार भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो पानी एग्जिट होता है वो बिल्कुल प्योर, आप कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर या आरओ वाटर की तरह होता है, जिसे आप पीने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये गाड़ियाँ कुल मिलाकर प्रदूषण फ्री तो हैं ही, साथ ही इनका माइलेज ज़बरदस्त है, एडवांस टेक्नोलॉजी है सेफ्टी के लिहाज से, और बिल्कुल न्यू लुक के साथ में लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें कि आपकी फर्स्ट टोयोटा की, इसके बाद में हुंडई की, इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी इस पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सड़क पे रखिए हमेशा सेफ्टी का ख्याल, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आपकी इन्फॉर्मेशन को 24 आवर्स में शेयर कर दिया जाएगा आपके हर कमेंट्स के आंसर के रूप में। नमस्कार दोस्तों।